पीडीएम के सरबरा और जेयूआई के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। मौजूदा सूरतेहाल की वजह से फौरी इलेक्शन नागुजीर हैं। जो हालात हैं, कबाइली इलाकों में इलेक्शन कम्पेन करना मुश्किल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से बड़ा मुतालबा कर दिया। कहते हैं आप फौजी अदालतों के केस का फैसला देकर घर चले जाएं, आराम करें, आपको कोई हाथ नहीं लग सकेगा। सुप्रीम कोर्ट कल ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में अहम फैसला सुनाएगी। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब की बेंच में शमूलियत पर एतराज उठाया था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है कि इलेक्शन जनवरी फरवरी से पहले भी हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 90 दिन में इंतखाबात का फैसला देगी तो फिर इस पर अमल किया जाएगा।